एक गांव में शिवम नाम का एक दूध वाला रहता था। उसके पास दो भैंसे थी। वो हर सुबह उनका दूध निकालता और पूरे गांव में घूमकर बेचा करता था। शिवम का रोजाना का एक नियम था, दूध बेचने के बाद उसके पास जो भी दूध बचता था उसे शिवम रास्ते में शिव जी के मंदिर में शिवलिंग पर चढ़ा देता था। उसका दोस्त मंगल रोजाना उसे ऐसा करते देखता था। एक दिन, शिवम तू इतनी मेहनत से पूरे गांव में दूध बेचता है और जो दूध बच जाता है उसे तू शिव मंदिर में चढ़ा देता है। बाकी लोग तो शिवलिंग पर थोड़े से दूध में पानी मिलाकर चढ़ाते हैं, तू भी ऐसा किया कर और बाकी बचे दूध को इकट्ठा करके उसकी दही और घी बनाकर बाजार में बेच दिया कर। इससे तेरी दुगनी कमाई होगी। मंगल, मैं भोलेनाथ को अपना पिता मानता हूँ, इसलिए उनकी भक्ति और सेवा करता हूँ। भोलेनाथ की कृपा से मेरी इतनी कमाई हो जाती है जिससे मैं खुश रहता हूँ। शिवम मंगल की बात पर ध्यान नहीं देता। वो नियम से ही रोजाना दूध चढ़ाने का कार्य करता रहता था। एक दिन मंदिर के पंडित जी ने शिवम से कहा, शिवम तू हर दिन महादेव का दूध से अभिषेक करता है, तेरी क्या मनोकामना है जिसके लिए तू ये सब कर रहा है? पंडित जी, मुझे भोलेनाथ से कुछ नहीं चाहिए। मैंने कई बार कुछ लोगों को दूध में पानी मिलाकर चढ़ाते देखा तो मुझे लगा भोलेनाथ पानी मिला दूध पीकर कमजोर न हो जाए, इसलिए मैं उनको दूध चढ़ा देता हूँ। अच्छा अच्छा, फिर ठीक है। एक दिन गांव में तेज बारिश हो रही थी। बारिश के कारण शिवम दूध बेचने नहीं जा सका। उसका आज सारा दूध बच गया था। उसने सोचा, आज इतना दूध बच गया है, मैं इसे शिवलिंग पर चढ़ा आता हूँ। शिवम, ये दूध तो बहुत सारा है, ये तो बहकर खराब हो जाएगा, तो फिर मैं इस दूध का क्या करूँ? पंडित जी, मैं ये दूध घर वापस भी नहीं ले जा सकता और ऐसे तो ये दूध खराब हो जाएगा। तुम एक काम क्यों नहीं करते, तुम इस सारे दूध की खीर बनाकर भोलेनाथ को भोग लगाकर गांव में खीर का प्रसाद बांट दो, इससे तुम्हें पुण्य मिलेगा। पंडित जी, ये तो आपने बहुत अच्छा विचार बताया है, मैं अभी जाकर बाजार से खीर का सामान लेकर आता हूँ। शिवम को पंडित जी की बात अच्छी लगी और वो बाजार से खीर बनाने का सामान ले आया। शिवम ने खीर बनाकर भगवान शंकर को भोग लगाया और सारे गांव में खीर का प्रसाद बांटा। इधर कैलाश पर्वत पर भगवान भोलेनाथ के मुख पर खीर लगी देख माँ पार्वती उनसे बोली, ये तो जरूर भगवान कृष्ण की भेजी हुई कोई चमत्कारी गाय दिखाई पड़ती है, जैसे उनका कोई आशीर्वाद हो। देवी पार्वती, ये मेरा प्रिय भक्त शिवम है, इसकी निश्चल भक्ति ने मेरा मन जीत लिया है। ये मुझे अपना पिता मानकर मुझे प्रतिदिन दूध और खीर का भोग लगाता है। ये मेरी चिंता करता है और मुझे बिना पानी मिला दूध चढ़ाता है। मेरे भोले भाले भक्त की भावना देखो ये समझता है, कहीं मैं पानी मिला दूध पीने से कमजोर न हो जाऊं, इसलिए ये दूध से अभिषेक करता है। प्रभु, फिर तो अपने इस भक्त पर कृपा करने के लिए हमें इसकी परीक्षा लेनी चाहिए। तो देर किस बात की देवी पार्वती, हम अभी पृथ्वी पर चलते हैं और अपने भक्त शिवम की परीक्षा लेते हैं। भगवान शिव और देवी पार्वती ने सेठ सेठानी का भेष बना लिया और शिवम के घर पहुंच गए। नमस्ते जी, कहिए आपको मेरे से क्या काम है? हमने तुम्हारे बारे में बहुत सुना है, तुम बहुत ताजा और शुद्ध दूध बेचते हो, इसलिए हम तुमसे दूध खरीदना चाहते हैं। तुम रोजाना अपना सारा दूध हमें बेच दिया करो। हम हर दिन तुम्हारा सारा दूध खरीदेंगे और तुम्हें दूध बेचने के लिए पूरे गांव में भागना भी नहीं पड़ेगा। हमारे लोग यहीं से दूध ले जाएंगे और पैसे तुम्हें दे देंगे। मैं आपको सारा दूध नहीं दे सकता, मेरी भैंसे जितना दूध देंगी उसमें से थोड़ा दूध मैं भोलेनाथ के अभिषेक और खीर के प्रसाद के लिए रखूंगा। पर हमें तो रोजाना बहुत दूध चाहिए, तुम सारा दूध दे दो, भले ही दाम चार गुना ले लो, तुम्हारी अच्छी कमाई हो जाएगी। नहीं सेठ जी, मैं आपको सारा दूध नहीं दे सकता। आपको दूध लेना है तो मैं शिव मंदिर के हिस्से का दूध अलग करके ही आपको दे सकता हूँ, नहीं तो कोई बात नहीं। चलो भाग्यवान, हम कहीं और से दूध पता कर लेंगे, ये तो कोई बहुत बड़ा शिव भक्त जान पड़ता है। सेठ और सेठानी वहाँ से चले गए। कुछ दूर जाकर उन्होंने एक गरीब ब्राह्मण का भेष बना लिया। देवी पार्वती, अब हमें अपने भक्त की परीक्षा किसी और तरह लेनी होगी। भगवान शंकर और माँ पार्वती मंदिर की सीढ़ियों पर बैठ गए। शिवम दूध बेचकर मंदिर जा रहा था। उसने एक गरीब ब्राह्मण ब्राह्मणी को रोते देखा। आप दोनों क्यों रो रहे हो, मुझे अपनी परेशानी बताओ, शायद मैं आप दोनों की सहायता कर सकूं। बेटा, हम दोनों कई दिनों से भूखे हैं, हमारे पास खाने को कुछ नहीं है। आप परेशान मत होइए, मेरे पास कुछ दूध बचा हुआ है और एक डिब्बे में ये खीर है, आप ये दूध पी लो और ये खीर खा लो, इससे आपका थोड़ा पेट भर जाएगा। भगवान शंकर तुम्हारा भला करें बेटा, आज तुमने हमें ये दूध और खीर खिलाकर तृप्त कर दिया। यदि मैं आपको भूखा छोड़कर भगवान भोलेनाथ को ये दूध और खीर का भोग लगाता तो वो भी इसे ग्रहण नहीं करते, क्योंकि जिस तरह से मैं उन्हें अपना पिता मानता हूँ तो वो भी तो आपके पिता है, तो मैं उनकी संतान को भूखा कैसे रख सकता था, इसलिए मैंने ये दूध और खीर आपको दिया।
पर बेटा, ये प्रसाद और दूध तो तुम भगवान भोलेनाथ के लिए लाए थे, तुमने हमें दे दिया। तुमने हमारे लिए अपना नियम क्यों तोड़ दिया? शिवम की भोली भाली और पवित्र बातों को सुनकर भगवान शंकर और देवी पार्वती अपने असली रूप में आ जाते हैं। उन्हें देखकर शिवम उनके चरणों में गिर जाता है। शिवम, मैं तुम्हारी सच्ची भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। मांगो, क्या मांगते हो? प्रभु, मुझे आपकी भक्ति के सिवा और कुछ नहीं चाहिए। मुझे आपकी भक्ति करके जो खुशी मिलती है, उससे बढ़कर मेरे लिए कुछ भी नहीं। शिवम, तुम मेरे सच्चे भक्त हो। आज के बाद तुम्हारे जीवन में कोई दुख नहीं रहेगा। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ रहेगा। शिवम को अपना आशीर्वाद देकर भगवान शंकर और माँ पार्वती अंतर ध्यान हो जाते हैं। उस दिन के बाद शिवम का जीवन सभी प्रकार के सुखों से भर जाता है। देवी दुर्गा ने दैत्यों के संहार के लिए कई अवतार लिए हैं। उदाहरण के तौर पर महिषासुर, धूम्र विलोचन, शुंभ निशुंभ जैसे कई दैत्यों का वध करने के लिए देवी दुर्गा ने अवतार लिए हैं। इन्हीं में से एक दैत्य था रक्तबीज, जो महाशक्तिशाली था। पुराणों के अनुसार रक्तबीज नामक दैत्य ने लगभग 5 लाख वर्षों तक तप किया और ब्रह्मा जी की स्तुति की। रक्तबीज की तपस्या से ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए और रक्तबीज के सामने प्रकट हुए। मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ, कहो क्या चाहिए? ब्रह्मदेव, मुझे अमरता का वरदान दीजिए। हिरण्यकश्यप की तरह देवता, दानव, गंधर्व, यक्ष, पिशाच, पशु पक्षी, मनुष्य आदि कोई भी मुझे नहीं मार सके, ऐसा वरदान दीजिए। तथास्तु, मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि युद्ध में अगर तुम्हारे शरीर से एक भी रक्त की बूंद धरती पर गिरेगी तो उससे नया रक्त बीज जन्म ले लेगा तथा किसी के लिए भी तुम पर विजय पाना असंभव होगा। ब्रह्मा जी से वरदान पाकर रक्त बीज अहंकार में चूर हो गया। उसने चारों ओर हाहाकार मचा दिया। मैं अमर हूँ, अब मुझे युद्ध में कोई परास्त नहीं कर सकता। अब स्वर्ग लोक पर मेरा यानी असुरों का राज होगा। मैं इंद्र को चुनौती देता हूँ, अगर साहस है तो मेरे से युद्ध करे, नहीं तो स्वर्ग लोक से भागकर कहीं मुंह छिपाकर छुप जाए। क्या रक्त बीज ने देवताओं को युद्ध के लिए ललकारा है? हमें उससे युद्ध करना होगा। राक्षस और देवताओं में युद्ध होने लगा। वरदान मिलने के कारण रक्त बीज और भी शक्तिशाली हो गया था। ये देखकर इंद्र सहित सभी देवता घबरा गए। ब्रह्मा जी के वरदान स्वरूप रक्त बीज का संहार किसी पुरुष के हाथों नहीं हो सकता। उसका वध केवल एक स्त्री ही कर सकती है। आपको भगवती दुर्गा की स्तुति करनी चाहिए, उन्होंने अनेकों राक्षसों का वध किया है। आप उचित कह रहे हैं देवर्षि नारद, हम सब देवी दुर्गा की स्तुति करते हैं। अब इस संकट से वही हमें पार लगा सकती हैं। और सभी देवता देवी दुर्गा का ध्यान करते हैं और देवी दुर्गा वहाँ प्रकट होती है। देवी भगवती, हमें रक्त बीज नामक राक्षस से मुक्ति केवल आप ही दिला सकती हैं। हमारी सहायता कीजिए माँ। आप सभी निश्चिंत रहिए, रक्त बीज नामक दैत्य का संहार अवश्य होगा, उसे उसके पापों का दंड अवश्य प्राप्त होगा। देवताओं को आश्वासन देकर माँ दुर्गा ने रक्त बीज को युद्ध के लिए ललकारा। तू एक साधारण अबला स्त्री मुझे युद्ध के लिए ललकार रही है? तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। रक्त बीज, अब तेरी मृत्यु निश्चित है, मेरे हाथों से तू नहीं बच पाएगा। अच्छा, तू मेरा वध करेगी? देखता हूँ ये कैसे संभव होता है। माँ दुर्गा और रक्त बीज के बीच युद्ध प्रारंभ हो जाता है। माँ दुर्गा के वार से रक्त बीज घायल होता तो रक्त की बूंद धरती पर गिरने से ढेरों रक्त बीज पैदा हो जाते। एक रक्त बीज मरता तो दूसरा सामने आ जाता। माँ दुर्गा उसके अंग काटती तो धरती पर रक्त की बूंदें गिरकर फिर से रक्त बीज सामने आ जाता। ये सब क्या हो रहा है? ये रक्त बीज मारा क्यों नहीं जा रहा? नारायण नारायण, माते, रक्त बीज का वध करने के लिए रक्त बीज के रक्त को पीना होगा ताकि वो धरती पर ना गिरे। ब्रह्मा जी के वरदान के अनुसार रक्त बीज का रक्त पृथ्वी पर गिरते ही अनेकों रक्त बीज पैदा हो जाएंगे। इसका संहार करने के लिए ऐसा कुछ करना होगा ताकि रक्त बीज का रक्त पृथ्वी पर ना गिरे। अच्छा, तो ये बात है। देवर्षि नारद, इसके लिए मुझे चंडिका को बुलाना होगा। देवी पार्वती को माँ काली का रूप धरना होगा ताकि वो इस दानव का रक्त पान कर सके। तत्पश्चात मैं इस राक्षस का संहार करूँगी। इसके लिए तो
देवताओं को देवी पार्वती से विनती करनी होगी कि वो माँ काली का अवतार लेकर इस दानव का विनाश करें। सभी देवता माँ पार्वती का आह्वान करने लगे। देवी पार्वती देवताओं के समक्ष प्रकट हुई। देवी पार्वती, आपको काली रूप धरना होगा ताकि जब भी मैं इस राक्षस पर प्रहार करूं, आप इसका रक्त खप्पर में लेकर रक्तपान करो। आप चिंता मत करो देवी दुर्गा, मैं इस दानव के रक्त की एक बूंद भी धरती पर नहीं गिरने दूंगी। देखते ही देखते माँ पार्वती ने काली का रूप धर लिया, जिन्हें देख दानव तो क्या देवता भी थर थर कांपने लगे और उनके समक्ष हाथ जोड़े खड़े रहे। माँ काली ने दैत्यों का गिरता रक्त पीना शुरू कर दिया, इससे नया दैत्य उत्पन्न नहीं हो रहा था। माँ काली ने अपना मुंह विकराल कर लिया, उन्होंने कई राक्षसों को निगल लिया। माँ काली का क्रोध बढ़ता ही जा रहा था। सब दैत्य मारे जा चुके थे, केवल रक्त बीज का वध होना ही बाकी था। देवी दुर्गा की जय, देवी काली की जय। हे काली के, रक्त बीज का वध तभी होगा जब इसके शरीर का सारा रक्त बाहर निकल जाएगा। आपको रक्त बीज के रक्त का रक्तपान करना होगा और ध्यान रहे कि रक्त बीज के रक्त की एक बूंद भी धरती पर ना गिरने पाए। ऐसा ही होगा देवी दुर्गा। देवी दुर्गा और रक्त बीज में युद्ध होने लगता है। रक्त बीज देवी दुर्गा के प्रहार से बच रहा था। देवी दुर्गा ने रक्त बीज की भुजाओं पर वार किया। माँ काली ने रक्त को खप्पर में ले लिया और रक्तपान किया। देवी दुर्गा ने रक्त बीज के सिर को काट कर धड़ से अलग कर दिया और खप्पर में रख दिया। माँ काली ने सारा रक्त पी लिया। हे काली के, आपकी मुंड माला के लिए मैं रक्त बीज का ये मुंड आपको भेंट करती हूँ। मुझे रक्त चाहिए, मुझे दानवों के मुंड चाहिए। मुझे रक्त दो, मुझे दानवों के मुंड दो। हे शिवा, हे काली के, रक्त बीज का वध हो चुका है, अपना क्रोध शांत करो देवी काली। मुझे दानवों का रक्त दो, मुझे दानवों का मुंड दो, मुझे दानवों का रक्त दो, मुझे दानवों का मुंड दो। काली के को रोकने का बेकी उपाय है भगवान शिव, वही काली के क्रोध को शांत कर सकते हैं। देवाधिदेव महादेव, माँ काली का क्रोध बढ़ता ही जा रहा है, उन्हें रोका न गया तो उनके क्रोध से पूरी सृष्टि का विनाश हो जाएगा। मुझे रक्त दो, मुझे मुंड दो, मुझे रक्त चाहिए, मुझे मुंड दो, मुझे रक्त दो, मुझे मुंड दो। देवी काली का क्रोध आक्रामक हो गया था। देवी काली क्रोध की अग्नि में बढ़ती जा रही थी, उनका क्रोध शांत नहीं हो रहा था। अचानक भगवान शिव धरती पर लेट जाते हैं और देवी काली का पैर उनके ऊपर पड़ जाता है और भगवान शिव को अपने चरणों में पड़ा देख देवी काली की जीभ बाहर आ जाती है और वो अपने वास्तविक रूप में आ जाते हैं। महादेव, आप मुझे क्षमा कीजिए, मैंने क्रोध में आपकी ओर देखा नहीं। उसके पश्चात सभी देवी देवता भगवान शंकर और माता पार्वती पर फूलों की वर्षा करते हैं।